Subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show. दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीडियोस को आप कैसे एडिट कर सकते हैं, किन एप्लीकेशंस को यूज करके आप अपने फोन में ही वीडियोस को एडिट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने वीडियोस को एडिट कर लिया, वीडियो बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है थंबनेल बनाना। तो दोस्तों बिकम अ यूट्यूबर सीरीज के पार्ट 7 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि थंबनेल कैसे होने चाहिए और कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे बनाता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे थंबनेल बनाने के, लोगो बनाने के, मतलब बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कैसे थंबनेल बनता है, और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और सब अच्छे ही वीडियोस हैं। लेकिन मैं आज अपना थंबनेल कैसे बनाता हूँ केवल 10 मिनट के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं किशोर चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं थंबनेल के बारे में एक नेसेसरी पॉइंट आपको बता दूं, थंबनेल को आप ज़्यादा भरिए मत वर्ड्स से। मतलब कि जो आप टाइटल में लिख रहे हो सेम टू सेम आप उसमें थंबनेल में मत डालो। टाइटल में जो आप लिख रहे हो वो तो लिख रहे हो, वो तो लंबा टाइटल है आपका 100 लेटर्स का, वो तो ठीक है। थंबनेल में एक दो लाइन, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, एक बुक हम लोग लेते हैं और बुक में क्या होता है, पूरी कहानी अंदर होती है, कॉन्टेंट में लिखा होता है चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3। तो कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो आपका अंदर बुक है उसका कॉन्टेंट है या कवर पेज है। कवर पेज पूरी स्टोरी तो लिखी नहीं होती, एक दो लाइन्स लिखे होते हैं। तो वैसे ही आप एक दो लाइंस लिख दिया करो थंबनेल में, और कोशिश करो कि थंबनेल में वो चीज़ दिखाओ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं लैपटॉप के बारे में बना रहा हूँ, मैं लैपटॉप दिखाऊंगा। अगर मैं फ़ोन के बारे में बना रहा हूँ, मैं फ़ोन दिखा दूंगा। और साथ में अपने, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँ, तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। तो कुल मिला जुला करके थंबनेल कैसे बनाते हैं ये मैं अभी बताऊंगा आपको, एक एक स्टेप अपने फ़ोन में ले जा करके। लेकिन क्या बनाना है मैंने आपको बता दिया, चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ अपने फ़ोन पर, आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने थंबनेल्स को किस तरह से क्रिएट करता हूँ, और आप 10 मिनट के अंदर कैसे बहुत ही आसानी से बढ़िया बढ़िया थंबनेल्स, कलरफुल थंबनेल्स, अमेजिंग थंबनेल्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फ़ोन, इसी में हम अपना थंबनेल बनाएंगे, और इसी में मैं अपना थंबनेल डेली बनाता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दो एप्लीकेशन आपके पास होने चाहिए। एक एप्लीकेशन है स्टिकट, ये एप्लीकेशन, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, स्टिक इट। ये एप्लीकेशन है अपने आप को स्टिकर बना करके हटाने के लिए और किसी बैकग्राउंड में लगाने के लिए, मतलब बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चेंज होता है। तो सबसे पहले हम स्टिकट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एल्बम पे क्लिक करोगे, एल्बम पे क्लिक करने के बाद आप एक फ़ोटो सिलेक्ट करोगे, जो फ़ोटो आपको बैकग्राउंड जिसका हटाना है। तो ये आ गए हम लोग कैनन EOS D के फोल्डर में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी फ़ोटोज़ हैं। इनमें से मैंने कुछ थंबनेल्स के लिए क्लिक करके रखी है, तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। तो मान लीजिए मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली अपने वाइट शर्ट, मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली ग्रे वाली, जो मैंने कल थंबनेल बनाई थी, मैंने वही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो मैं कैसे खड़ा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में दरवाज़ा है, कूलर है, ये सब आ रहा है सामने। तो इसको मुझे रिमूव करना है। अब वो मैं कैसे रिमूव करूँगा, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको दो पेंसिल्स दिखाई दे रही है, एक वाइट पेंसिल एक ब्लैक पेंसिल। वाइट पेंसिल इसलिए भैया क्योंकि आप जिसको चाहते हो रखना उस पे अराउंड आप वाइट पेंसिल यूज़ करोगे, और जिसको आप हटाना चाहते हो उसके अराउंड आप ब्लैक पेंसिल यूज़ करोगे। बाकी यहाँ पे आपको पेंट मिल जाता है, इरेजर मिल जाता है, पावर जूम मिल जाता है, पता नहीं इन सब का कोई काम लगता ही नहीं है। मैं केवल ये दो चीज़ का काम लगता है ज़्यादातर, और कभी कभी इरेजर का काम लग जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। पेंसिल पर क्लिक करिए वाइट वाले, और कुछ इस तरीके से, मतलब जिस एरिया को आपको रखना है उसको ऐसे आप मार्क कर दीजिए, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा ग्रीन हो गया। अब आप ब्लैक एरिया, मतलब जिस एरिया को हटाना है उसको आप मार्क कर दीजिए भैया कि हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए अपने बैकग्राउंड में, ठीक है। आप देख रहे हो हट गया, लेकिन अभी भी आप देखो ये बाल है और पीछे हमारा पर्दा आ गया, तो वहाँ पर हम इसको हटा देंगे, लगाए हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा गैप है बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में हाथ में गैप है, वहाँ पर भी थोड़ा सा लगा देंगे ब्लैक कलर का। ये भी हट गया, अब देखो ये भी हट गया। अब मेरा बाल गायब हो जाएगा अगर मैं नेक्स्ट करूँगा, तो मुझे बाल भी तो चाहिए ना फ्रेम में, बिना बाल का कैसे चलेगा काम। तो ये ले लिया हमने बाल, और इसको थोड़ा सा एजिंग वगैरह भी कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देख रहे हो कैसे हो रहा है ये, और अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप यहाँ बैक दबा सकते हो, वो गलती वापस हो जाएगी और फिर उसको आप दोहरा सकते हो, और ये कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये आपने देखा कि चारों तरफ जो है वो बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया, जितनी चीज़ें हमें चाहिए वो दिख गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्लैक है वो हमारा शर्ट थोड़ा बहुत रिमूव कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे, यहाँ से ऐसे इरेज करेंगे, और देखिए हमें एक दिखने में तो सही लग रहा है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमको पता चलेगा कि हमने सही तरीके से सिलेक्ट किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना एरिया पिंक है ना वो एरिया आपका स्टिकर बन जाएगा, और जो जो एरिया आपका छूट गया है वो एरिया आपका बैकग्राउंड बन जाएगा और वो हट जाएगा।
तो लगभग आप देखिए हर चीज़ करेक्टली सिलेक्टेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि मेरी जो फिंगर है वो थोड़ी सी कटी हुई है यहाँ पे, हल्का सा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हल्का सा कटा हुआ है, तो इसको हम जा करके करेक्ट करेंगे वापस। अब हम आ गए अपने पुराने वाले बैकग्राउंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर हल्की सी यहाँ पे कटी हुई है, तो वहाँ पे भी हम अपना जो वाइट पेंसिल चलाएंगे, हल्का सा जूम कर देंगे और यहाँ पे वाइट पेंसिल चलाएंगे ताकि मेरी फिंगर कंप्लीट आ जाए। ठीक है, देख रहे हैं डिटेलिंग कितनी अच्छी है इस ऐप में, और बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना। अब अगर आप चाहते हो कि आप अपने बैकग्राउंड में ये जो आपका ये स्टिकर जो बना है, इसमें अगर आप कोई आउटलाइन चाहते हो वाइट कलर वाली जो काफ़ी अच्छी लगती है, अब ये कर सकते हो। इससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कितना छूटा। आप यहाँ पे देख सकते हो एक और पार्ट छूट गया, इसको फिर से हम करेक्ट कर सकते हैं जाकर के पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है करेक्ट करना। यहाँ आइए, इसको जूम करिए, यहाँ पे ऐसे करिए, थोड़ा सा और ऐसे करिए, नेक्स्ट जाइए, यस करिए, फिर नेक्स्ट जाइए, मतलब बहुत ईजी। अगर आपको एक बार आदत लग गई ना, बहुत आराम से आप कर सकते हो। इस पर आउटलाइन करो, ठीक है, आपने आउटलाइन कर दिया, इसको छोटा कर दिया। अगर आप चाहते हो आउटलाइन को कम करना, आप ये कर सकते हो, ठीक है, आपने कम कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका थंबनेल का स्टिकर है, ये आप दिख जाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ से हट करके बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप फिल पे क्लिक करोगे, ये फिल लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे क्लिक करोगे, कलर और पैटर्न पे आओगे, कोई फोटो भी लगा सकते हो लेकिन मैं कलर लगाता हूँ। यहाँ पे नीचे आप ग्रेडिएशंस में आओगे, कोई भी ग्रेडिएशन यहाँ पे आप लगा दो, ठीक है, इसको सेट कर दो अपने हिसाब से, ठीक है, और आप इसको सेव कर लो ऑल पे जाके। ये परचेज एप्लीकेशन भी है लेकिन मैं फ्री वाला यूज़ करता हूँ, मुझे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है यही इमेज, सेम टू सेम मैं आपको गैलरी में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो गैलरी में हमारे ये इमेज आ गई है और कुछ इस तरीके से है। मैं आपको और इमेजेस दिखाता हूँ जो मैंने बनाई है, आप देखो मैं ऐसे बनाता रहता हूँ इमेजेस जो ज़रूरत होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये इमेज बन गई, अब आपको जाना है हमारे दूसरे एप्लीकेशन में जो कि है कैनवा, नाम सुना होगा आपने, ये कैनवा एप्लीकेशन है भैया, ये आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप टाइप करिए, कुछ नहीं करना, केवल आपको यूट्यूब थंबनेल, हमने इसी से लोगो बनाया था, याद होगा आपको वीडियो में जिसमें हमने लोगो और चैनल आर्ट बनाया था, इसी से हमने बनाया था। YouTube थंबनेल टाइप करेंगे, हमको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, हम यहाँ ब्लैंक, ये आप चाहो तो अलग अलग ऑप्शन से जाके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट चुन सकते हो, अलग अलग फ्री टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, बट मैं ये टेम्पलेट्स नहीं चुनने वाला, मैं फ्री ब्लैंक में जाऊँगा। ब्लैंक में आप प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेजेस पे क्लिक करेंगे और जो इमेज आपने बनाई है वो यहाँ पे आ जाएगी, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ यू आओगे और इसको सेट कर दोगे फ्रेम के हिसाब से, ये आपका फ्रेम के हिसाब से सेट हो गया, और इस पे आप कोई भी इमेज लगा दो। फिर उसके बाद आप गैलरी में जा करके कोई भी इमेज और भी इमेजेस अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। टेक्स्ट की बात करें, ऐड टेक्स्ट कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको सिर्फ कोई टेक्स्ट जोड़ना है, मान लीजिए हमने लिख दिया ट्यूटोरियल, ठीक है, और हमें इसको बड़े में करना है, हमने कर दिया, ये हो गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर देते हैं, पहले तो साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हमने साइज़ ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे हमने साइज़ बढ़ा दिया, और इसको हम चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स यहाँ दिए हुए हैं, इनके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कलर्स। उसके बाद प्लस में आकर के आप और टेक्स्ट वीडियो जोड़ सकते हैं, स्टिकर जोड़ सकते हैं, इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, टेम्पलेट लोगोस पेज वगैरह ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक जो आपको ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही चीज़ बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ बालू टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, ये सिलेक्ट हो गया, ट्यूटोरियल हो गया, ठीक है, और आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं और आपकी फ़ोटो जो है वो सेव हो गई है और आप उसे शेयर कहीं भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ गैलरी में जा करके, ये देखिए हमारी जो थंबनेल है वो बन के तैयार हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप भी थंबनेल बना सकते हैं केवल 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया कि थंबनेल आप किस तरीके से बना सकते हैं, मैं अपने थंबनेल्स किस तरीके से क्रिएट करता हूँ, बहुत आसानी से, स्टिकी टाइप यूज़ करना है, कैनवा ऐप यूज़ करना है और कोई पंचायत नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आसानी से अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, यूज़ करिए, आराम से बनाइए और मस्त एकदम आपके जो वीडियोज़ हैं उनको वायरल करिए अपने थंबनेल्स की वजह से। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे इस थंबनेल क्रिएशन के बारे में। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।